PIC में बुकला गर्दी का वाकया, सानह में मुलविस अहम मुलजिम और इश्तिहारी एडवोकेट जीशान खालिद गिरफ्तार। जीशान खालिद दहशत गर्दी और दीगर संगीन मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ एक केस में जमानत मंजूर करने पर मुआज़िज़ जज पर तशद्दुद का भी इल्जाम है। सानहे PIC में सूबाई वजीर इत्तला का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। फयाज़ुल हसन चौहान पर वुकला की जानिब से PIC में तशद्दुद किया गया। सूबाई वजीर ने वुकला के खिलाफ बयान देने से माजरत कर ली। और कान्हा में फायरिंग से सदर अंजुमन ताजरान कान्हा के भाई के जख्मी होने का मामला, वाकई का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को चंद रोज सुबह बाजार में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान का वाकई में मुलव्वस होने का शिबा था। PIC में वुकला गर्दी का वाकया, सानह में मुलव्वस अहम मुलजिम और इश्तिहारी एडवोकेट जीशान खालिद गिरफ्तार। जीशान खालिद दहशत गर्दी और दीगर संगीन मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ एक केस में जमानत मंजूर करने पर मुआज़िज़ जज पर तशद्दुद का भी इल्जाम है। सानहे PIC में सूबाई वजीर इत्तला का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। फयाज़ुल हसन चौहान पर वुकला की जानिब से PIC में तशद्दुद किया गया। सूबाई वजीर ने वुकला के खिलाफ बयान देने से माजरत कर ली। और कान्हा में फायरिंग से सदर अंजुमन ताजरान कान्हा के भाई के जख्मी होने का मामला, वाकई का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को चंद रोज सुबह बाजार में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान का वाकई में मुलव्वस होने का शिबा था।